पिपराई थाना क्षेत्र के पिपरा मोगलान गांव में भाई ने भाई की गड़ासे से काटकर हत्या की। आपको बता दें कि पिपराई इलाके के पिपरा मोगलान गांव के रहने वाले श्रीकांत शर्मा के तीन बेटे हैं। श्रीकांत के मुताबिक उनका बड़ा बेटा व्यास मुनीश शर्मा पिता से अलग रहता है, जबकि दो बेटे श्याम सुंदर व छोटा बेटा पूरन शर्मा पिता के साथ रहते हैं। बड़ा बेटा व्यास मुनीश शुरू से ही प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर घर में विवाद करता था। व्यास मुनि अपने पिता पर पूरी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम करने का दबाव बनाता रहता है। इसे लेकर परिवार में पहले भी उसने कई बार पिता और भाइयों से मारपीट की और मामला पुलिस तक भी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया और रविवार को श्रीकांत के एक बेटे श्याम सुंदर की हत्या हो गई। पिता श्रीकांत के मुताबिक शनिवार की रात से ही व्यास मुनि इस बात को लेकर परिवार में विवाद शुरू कर दिया। रविवार को छोटा बेटा श्याम सुंदर घर पर लोहे का गेट लगवा रहा था, इसे लेकर व्यास ने फिर से विवाद शुरू कर दिया। मामला बढ़ा तो पिता श्रीकांत इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंच गए। इस बीच उसने घर पर मौजूद भाई श्याम सुंदर से विवाद शुरू कर दिया। विरोध करने पर बड़े भाई व्यास मुनि ने अपने बेटों के साथ मिलकर छोटे भाई श्याम सुंदर की गड़ासे से काटकर हत्या कर दी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पिपराइच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बारे में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि सगे भाई ने ही सगे भाई की हत्या की है। मिली तहरीर में तीन नामजद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने तीनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम विधि कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक के पिता श्रीकांत शर्मा और दूरभाष पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, कौन जरूरत बा भाई, चुप रहो, हमसे काट जाई यू नहीं, उसकी बीवी जो मेरे पास उसका क्या नाम, क्या नाम मैं ही नहीं, और जो मारा एक मतलब 76 में फंसे हैं, चला आओ सब पहले राज्य को प्रणाम। श्रीकांत शर्मा क्या मामला हुआ है? मामला यह हुआ है कि आज 20 साल के पहले उसका शादी किए हैं। शादी के बाद वो कहा कि हमारे महाराज नाम से खेत लिख दो कुछ, हम कहे हम नहीं लिखेंगे, छोटा बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, पास सुनी मारे हम श्याम सुंदर के काटे हैं, यही के नाते यहाँ जिंदा तरह हमारे हिस्सा नहीं बनी। अब उनका कहना है कि सबके मोबाइल सब्जी हमारा वही संपत्ति, चार बार मार चुके हमको, आपको भी मारे, उनके मारे, बहू के मारे, श्याम सुंदर के, पूरन के भी मारे हैं, हम तो थाने पर रहने हैं साहब। अच्छा, हाँ वह 11 बजे का घर निकले भाई, 11 बजे गए, 10 बजे गाँसी से काटे हैं, भाला से मारे हैं, छड़ एक भाला बना के लाठी में पेच के उसी से मारे हैं। जो मरे हैं उनकी कितनी उम्र रही होगी? यह करीब 30 साल। 30 साल, क्या की बात हो गई? हाँ, श्याम सुंदर और पूरन, पूरन पूरन शर्मा चेक तीसरा बच्चा। अच्छा, जो मारे हैं वो कौन? सबसे बड़े हैं, एक गांव में आज एक मकान के विवाद में बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की चापड़ मार के हत्या कर दी, जिसमें FIR लिखवाई गई और सभी नामित तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है।